लाइफ के अलग अलग मोड़ पर कई बार हमें लोग बहुत सारे कमेंट्स देते हैं, सलाह देते हैं, इनपुट्स देते हैं, बट एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान को ये पता होता है कि कौन से इनपुट्स को कब लेना है और कब उन्हें रिजेक्ट करना है। तो चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के इस एस्पेक्ट को लेकर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। Hey everyone, welcome to my channel The Journey Within. My name is Shobha Rana. I am your emotional intelligence and mindfulness coach. So aaj ki hamari story based hai ek fisherman ke upar. So ye ek gareeb fisherman hota hai and after doing his fishing for the day wo ek ped ke niche aaram se baitha hota hai aur ek cigarette pee raha hota hai. To fir ek ameer businessman uske samne se guzarta hai aur dekhta hai ki yaar ye fisherman to aaram se baitha hua hai aur abhi to aadha hi din hua hai. To he walks up to him and he says ki अरे भाई तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो, जाओ जाके और फिशेस पकड़ो। तो फिशरमैन बोलता है नहीं, मैंने आज के लिए जितना करना था वो कर लिया एंड आई एम जस्ट सिटिंग। तो कहता है कि नहीं नहीं आपको और फिश पकड़नी चाहिए। तो फिशरमैन बोलता है और फिश पकड़ के क्या होगा? तो बोलता है और फिश पकड़ के तुम्हें और सारे पैसे मिलेंगे। वो कहता है और पैसे मिलने से क्या होगा? वो कहता है और सारे पैसे मिलेंगे तो फिर आपको एक बड़ी बोट खरीद सकते हो। तो फिशरमैन कहता है बड़ी बोट खरीद के मैं क्या करूँगा? तो बिजनेसमैन कहता है कि बड़ी बोट खरीद के आप समुद्र के बहुत ज़्यादा बीच में भी जा सकते हो, डीप वाटर्स में जा सकते हो और ज़्यादा फिशेस पकड़ सकते हो। तो फिर ये फिशरमैन कहता है बात तो सही है लेकिन उससे क्या होगा? तो कहता है कि फिर आपको और सारे पैसे मिलेंगे। देन द फिशरमैन सेज उससे क्या होगा? देन द बिजनेसमैन सेज कि फिर आप और बहुत सारी बोट्स खरीद सकते हो और अपने साथ और बहुत सारे लोगों को रख सकते हो जो आपके लिए फिशेस पकड़ेंगे, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे पैसे कमा लोगे। सो दिस गाय सेज बट उससे होगा क्या? तो बिजनेसमैन कहता है भाई इतने सारे पैसे कमा लोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल इन्जॉय योर लाइफ। सो द फिशरमैन सेज तो आपको क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ सिटिंग अंडर द शेड ऑफ दिस ब्यूटिफुल ट्री। तो बिजनेसमैन उसको देख के बस एकदम हैरान रह जाता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हेन टू नॉट टेक इनपुट्स फ्रॉम अदर्स। इफ योर वर्क और वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ टूडे और इफ योर रिलेशनशिप और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस एंड पीस टूडे और बाहर से कोई लोग आके बोलते नहीं नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, मगर आप खुश हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो इनपुट लेना है, क्योंकि हर किसी के लिए हैप्पीनेस की, खुशी की, पीस की, एन्जॉयमेंट की डेफिनेशन अलग होती है, सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। आई होप यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन लाइफ और अपनी लाइफ में आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से लोग आपको इनपुट्स देते हैं और कहाँ पे आपको उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एक फीडबैक का काम करते हैं बट कभी कभी उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। If you like this story, do subscribe to my channel. Press the bell icon to get the updates. Like, comment and share कीजिए इसे अपने अपनी family और friends के साथ। और अगर आप कुछ भी मेरे साथ share करना चाहते हैं तो comment section. Thank you for watching. See you in my next video.